गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या बहुआय। यह फिल्म श्री लाल बिहारी मृतक के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में उनके जीवन में घटी सच्ची घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया गया है। फिल्म में मुख्य एवं सहायक पात्रों के नाम और उनसे संबंधित व्यवसायों को फिल्म की रोचकता बढ़ाने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता के आधार पर बदला गया है। कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिशों में है नाव कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की। क्या हुआ, सपने में भूत देख लिया? भूत नहीं, भविष्य देखे हैं तो हर प्रगति देखे। शहर के बीचों बीच तो हर बैंड बज रहा था। चमकीला सूट बूट माँ, तुम बहुत ही ज्यादा राजेश खन्ना लगत रहे। अरे काहे का राजेश, काहे का खन्ना, हम भरत लाल हैं, वही ठीक है भाई। हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जिन्हें हम कॉमन मैन यानी कि आम आदमी कहते हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के अमीलो गांव में रहने वाले एक ऐसे ही आम आदमी की एक अनूठी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद संघर्ष नहीं करता तो आम आदमी ही बना रहता। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। हाँ महाराज, हम यहाँ आपकी चाकरी में लगे रहते हैं, और ये जो आपकी इम्पाला है ना, वो दुकान में घुस के परले मचाते रहती है। आज आ गई है गैराज में, आज करते हैं मरम्मत हम उसका, ठीक है? ए मोतियाराम फल। हाँ भैया। अरे बाहरो फूल बरसाओ, मेरा महबूब का प्रैक्टिस करो, बिना का संगीत माला पे टॉप पैदान चला है उसका करो। हाँ ठीक है, चलो 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 उठाओ। आप चलिए मेरे महबूब, आपको तो रफी का दर्द वाला नगमा सुनाएंगे हम। मेरा महबूब आया है बाहर। अरे मोतिया, ये मारेंगे मारेंगे नहीं, यहीं आसपास छोड़ के चले आएंगे, ऐसे है तुम्हारे भरत भैया। और महबूब जी, माना कि आप ना हमारे दुख हरता श्री गणेश के प्राइवेट वाहन है, और क्या है ना, आप जो ये आपके ये छोटे छोटे शुभ कदम जो है ना, वो मत रखिएगा दुकान में दोबारा। आप जब हमारा ढोल बाजा कुतर देते हैं तो हमारी रोजी रोटी चली जाती है, और यूनिफॉर्म कुतर देते हैं तो इज्जत। देखिए आज छोड़ रहे हैं, दोबारा अगर आए ना तो आप चूहा और हम हो जाएंगे नाग, समझे कि नहीं? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। कहाँ? वो तो चूहा छोड़ने गए हैं। अरे बंद करो, महबूब चले गए। आओ ना पंडित जी। खुश रहो, खुश रहो। क्या समाचार? बहुत बढ़िया। कहीं तय करके आए हैं क्या? हाँ, वो 27 तारीख को वो राधे श्याम है ना पूरी कचोरी वाले, उनके बिटुआ का लगन है। अरे पहुंच जाना गाजा बजे लेके। 27 नाना का हो राम फल, 27 तो जा चुका है गंगा काकी, हो गया सट्टा बहना। अरे तो कितनी बार कहा है, ज्यादा आदमी कहा नहीं रख लेते तुम? दो जगह तुम जाओ और दो जगह आदमी। अरे जितना काम पकड़ोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। अरे आदमी बढ़ाने से नहीं ना होगा पंडित जी, बाजा गाजा ड्रेस जगह चाहिए प्रैक्टिस का।
अंडा में अजगर घुसेगा? अरे तो दुकान बड़ी कर लो फिर। अच्छा, कैसे कर ले बड़ी? मंदिर में जाकर घंटा बजाए और हाथ पसार ले, बड़ी दुकान हो जाएगी? अरे गांठ में पैसा चाहिए पंडित जी। तो तुम बैंक से कर्जा ले लो ना। अरे नाना कर्जा और जा। सही कहे पंडित जी। अरे आओ रुकमणी बिटिया। अरे रुकमणी बिटिया, हम भरत लाल को बता रहे थे कि बड़ी दुकान के लिए कर्जा ले लो। कर्जा और जा नहीं चाहिए पंडित जी हमको। ये कर्जा जो है ना कुत्ते पालने जैसा है, कहने के लिए सुरक्षा करता है और रोज भाव भाव करके रोटी मांगेगा, और जो एक दिन रोटी ना दो ना तो काट देगा। ये चूहा से ऐसे ही परेशान है, हमारे गले में ये कुत्ता होता, मत बांधो तुम। ठीक है भैया, जो तुमको समझ में आए वो करो, बस खुश रहो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्रणाम है पंडित जी। सुनो ना, हम क्या कह रहे थे, दुनिया कर्जा लेती है, तुम काहे नहीं ले सकते? अरे तो चुकाना भी तो पड़ेगा। तो चुका देंगे जब कमाई बढ़ जाएगी। तब कमाई ना बढ़ी तो कौन सी कोई तुम्हारी छुट्टियां उखाड़ लेगा? नदी में पानी दो बिलांग भर है और कह रहे हैं तैरे तो डूब जाएंगे। अरे रुक्मिणी, तुम्हारी आंखों का फिक्स डिपॉजिट बहुत है, नहीं चाहिए हमको कर्जा। भाई श्रीवास्तव जी, सुना है नसबंदी रुकने वाली है, इमरजेंसी खत्म हो रही है। सही कह रहे हैं। क्यों भाई भरतलाल, तुम्हारा कनेक्शन तो नहीं काट गए कहीं? हमारा सुरक्षित है। हाँ बोलो। वो दुकान को बड़ा लेना है तो उसके लिए कर्जा चाहिए। जरूर जरूर, लोन तुम्हारा हम मंजूर करवा देंगे, पर सिक्योरिटी के लिए क्या रखोगे? वो है बहादुर है, पूरे बाजार का करता है दरबानी, 10-15 रुपए ले लेता है। अरे यार वो सिक्योरिटी नहीं, लोन की गारंटी के लिए कोई चीज बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है ना। तुम्हारे नाम से कोई घर जमीन जायदाद कुछ है? घर तो कर लो, कहा किराए पर, वही दुकान है वो पुरनका। अरे नहीं 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 नहीं, दुकान तुम्हारी लाल डोरे में पड़ती है और तुम्हारे पास पक्के कागज तो होंगे नहीं, कुछ और सोचो। हमारा पुश्तैनी जमीन है खलीलाबाद में, वो चाचा चाची के साथ हिस्सेदारी में। बस तो ठीक है, उस जमीन के कागज की नकल निकलवा के और लेखपाल से प्रमाणित करवा के हमारे पास लेते आओ, उसी से तुमको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है, हम आते हैं एक हफ्ता। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सुनो, कल करवा चौथ है, समय पे आ जाना। ठीक है आ जाएंगे। और सुनो, नहीं लौटे तो दुखी मत होना, अच्छे से खाना पीना, जीवन मौज में काटना तुम अपना। बुलावे 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 देशवा हमार, पिपरा के छैया में नाचे हमलवा, चहु और छाई बहार। उड़े है सौधी बयार जहाँ, बहे है नस की धार जहाँ, जिया में उमंगवा की दीप जले, जीवन में छाए मधुमास जहाँ। चलो रे चलो रे चलो रे, आयो रे संदेश हमारा। बुलावे 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 देशवा हमार, पूरा कशैया में नाचे मोलवा, जहुअर छाई बहार। आप छोड़ के हम कहाँ जाए पड़ेगा? अरे जा रहे हैं, आ रहे हैं ना भैया। अरे भरत, इतने साल बाद। पहला गो चाचा, खुश रहो, जीते रहो, आओ। आप हैं अभी? हाँ हाँ अभी तक तो हैं। चलिए। कौन है बताओगे कि इस बात को भी खुफिया रखोगे? अरे हम हैं चाची, हम। अरे हम तो हम भी हैं, तुम कौन से हम हो? भारत आए लगे। आओ आओ बैठो। अभी इतनी रात को आए हो तो रुकने का तो सोचा है कि आए होगे। अरे हरी भैया देवी भैया नहीं दिख रहे हैं कहीं? बड़ी जासूसी कर रहे हो, क्या बात है? अरे वो बचवा रो रहा है, देखो जाए के। अच्छा सब शहर गए हैं। अच्छा, और सोनू गोपू? वो भी तुहार बहुरिया भेजी है।
लड्डू तोरे लिए बना के। कौन है ये? कौन है ये? तुम्हार भतीजा है सुसिलवा, हरिलाल का बिटुआ। अरे बड़ा प्यारा है सुसिलवा, एक दिन तुमको उठा ले जाएंगे हम अपने घर। और वो तुम्हारा बैंड बाजा कैसा बज रहा है? अरे बहुत बढ़िया चाची तोरे आशीर्वाद से। अब वह बैंड का थोड़ा दुकान बड़ा करना है तो लोन चाहिए। बैंक वाले बोले कि जमीन वमीन हो नाम पे तो उसका नकल ले आओ, तो वहीं आ गए आपके पास। भरतलाल बैंड वाले, चलो आ गया हमारा नाम। जी भरतलाल। अरे भूरे सिंह तुम? नीचे बैठो। हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, ये सरकारी दफ्तर है, काम बोलो काम। अरे काम कुछ ना हो, जमीन के कागज के नकल चाहिए तो हमें चचा बोले लेखपाल से मिल लो। अब तुम मिल गए हो तो पेपर भी मिल ही जाएगा। पिताजी का नाम क्या है? कन्हैया लाल। नहीं नहीं, स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल। ये जो है ना, हमारे स्कूल में हमारे क्लास के सबसे बढ़िया मुर्गा यही बनते थे, 10-10 मिनट एकदम ऐसे। भरत लाल वल्द कन्हैया लाल, ग्राम सलारपुर, पोस्ट खलीलाबाद, जिला आजमगढ़। याद है हमारे साहब क्या बोलते थे? तुम मर चुके हो। ये तो नहीं बोलते थे हमारे साहब? अरे यहाँ कागज पे लिखा है तुम मर चुके हो। अच्छा वहाँ कागज पे लिखा है मर चुके हैं और ये सामने बैठा है वो कौन है भाई? देखो तुम बैठे हो, लेटे हो या खड़े हो, इससे हमको कोनो लेना देना नहीं है। सरकारी कागज झूठ नहीं बोलता है। ये देखो 30 जुलाई 1976 को नीचे बैठो भरत लाल का स्वर्गवास हुआ और उसके चाचक कहने पे उसकी जमीन देवीलाल और हरिलाल, हरि भैया हमारे भाई, दोनों भाइयों को दे दी गई। ना ना गड़बड़ है, ये गलत है। अरे गलत कैसे हो सकता है भाई, सरकारी कागज पे लिखा है। ये कागज सच्चा है कि हम? भैया ये सरकारी दफ्तर है, कागज पे जो चीज लिखी होती है वही सच होती है। अच्छा मैंने आदमी से बड़ा रजिस्टर हो गया हूँ, है इंसान से ज्यादा भैलू कागज के पुड़िए का है। चिल्ला काय रहे हो? अरे चिल्ला नहीं रहे भूरे भाई, सच में आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। अरे भूरे भाई हम आपके सामने बैठे हैं, ये देखो हम। ए मारो तुम, देखो है कि नहीं। अरे यार तो हम कब मना कर रहे हैं तुमको, तो पेपर में सही कर दो ना। कानून की बातों में छेड़छाड़ करने के चक्कर में जेल जाएंगे हम भी और तुम भी। जेल कहे जाएंगे हम भाई? धोखाधड़ी कहे? अरे तुम एक स्वर्ग सिधारी आत्मा की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हो, इस चक्कर में जेल। अच्छा, अच्छा, वाह वाह, मतलब हम अपना ही जमीन खुद ही हड़प रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर किसको कह रहे हो? कहावत बोल रहा हूँ। अब हम भी बोले तुमको एक कहावत फिर? हाँ बोलिए। लातो भूत ना बातोस नहीं मानते, और तू वही बातोस ना मानने वाली काल्टिक भूत हो। ए हवलदार चलो, हवलदार चलो जाओ, निकलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। क्या बोलेगा, पॉइंट पे मुंह देता था जब मुर्गा बनता था ना। बचपन की बात कर रहा हूँ, पॉइंट पे मुंह देता था। दरबार बनने लायक नहीं थे तुम, लेखपाल और किताब पे नहीं बैठे। चाचा को लेकर आ रहे, बता रहे हैं चाचा को लेकर, बता रहे हैं। और नाम कर रहे हैं, चाचा कर दिया हमारे। अच्छा लेखपाल तो दरबार बोलेगा, साइकिल मार्च पर साइकिल। अरे ओ देवी के बापू, हरिलाल ऊ चावल का कंकर फिर से आ रहा इधर, लगता है खबर लग गई है उसे। अरे चिंता ना करो अम्मा, ज्यादा डर डर की हिंद मारी मारी के देही में भूसा भर देंगे। चाचा, चाचा, अरे चाची का हुआ, लौट का आया है? मुँह का वाल वाल छिड़का बका। अरे ना चाची, वो भूरे लाल जो है ना लेखपाल, उस आला कह रहा है कि तुम लोगों ने सरकारी रजिस्टर में बोल दिया कि हम पूरे हो गए हैं। छोटा कलेश करवाना चाहता है परिवार में, झूठा साला। सच कह रहा है। ए जी बताओ। बताते हैं भैया भरतलाल। देखो बेटा, तुम हमारे बड़े भैया के अकेले बिटवा थे हैं? और हमारे थे तीन, तो तुमका तो पूरा खेत मिल गवा, और हमारे हुए गए टुकड़ा तीन इतने इतने। जब हमार भैया बीमार पड़े और गुजर गए तो तुम्हारी अम्मा तुमको लेके अमीलो चली गई अपने मायके। पिछले साल ही हमने लेखपाल को भेंट देकी तुमको कागज पे ही मरवा दिया था, और तुम्हारा खेत अपने बच्चों में बांट दिया था,
और कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया भैया। एक बात ना अपने दिमाग में गोदाए लो, न तुम हमरे रिश्तेदार और न तुमसे हमार कौनो सरोकार। चलो जा, तुम का रेडियो सुन रही हो। कहना ही चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है कि जो आदमी सरकारी कागज पे मर गया है उसको सच में मानने में कोनो दिक्कत नहीं है। चलो, अरे इधर से चलो, निकलो निकलो, निकल लोगे। अरे नचनिया गवैया बन के खानदान के इज्जत दबा दी। जाओ किधर बैठ गए? सीधा जा। कौन थे? रुक्मिणी, हम मर गए। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। बैठो, बैठो तुम। भाई लोग खुश रहो। क्या हुआ भरतलाल, जरा विस्तार से बताओ। क्या बताएं पंडित जी, चाय लीजिए। अरे बिटिया, चाय के साथ थोड़ा लाई चना हो जाता तो कहानी सुनने मजा आता। शमान जी भैया, जो जो नहीं हंसा है ना उसको चाय दे दो। हाँ। जो भैया, भैया ये कहाँ हो गया भैया? हम वहाँ कचहरी में नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या कर डालते भैया। लेकिन हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो लोन लेने गए थे तुम्हारे डिडे साइज के उसके लिए। अरे भरत भैया, सुना है कि तुम कागज पे मर गए? हाँ मर गए हैं, वो लिखित में। अरे भरत भैया कुछ नहीं, आप गिंधो बाबा के यहाँ चले जाओ, डेढ़ बोतल अंग्रेजी चढ़ाओ, उसके बाद वो आपके सिर पे पुछ से पुचकारते, सारी समस्या गायब। गायब? अरे गिंडो विंडो कुछ नहीं है, ढोंगी है ढोंगी, ढोंगी का उल्टा गिंडो। जो जो शाह वो छर्रे वाले मजार वाले बाबा है ना, वहाँ अभी जी बैठते हैं, उनकी मजार पे चले जाओ, वहाँ एक मौलवी है, कपार पर तीन लात मारते हैं, बस आदमी के भाग खुल जाते हैं। हाँ भैया सच्ची, इनकी बवासीर ना ऐसे ही गई थी। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं भैया, तभी तो फूल कागज का लाए। आत्मा जी के, अरे कहाँ जा रहे हो? हम कहीं नहीं, हम जा रहे हैं बार बार, हमारा दिमाग खराब हो गया, कैसे मरे कैसे मरे। अब जो आएगा उसको चाय पानी पिला देना। ओ पंडित जी, आपको मालूम है ना कैसे मरे हैं? हाँ। आप सुना दीजिएगा सबको, दिमाग खराब हो गया कैसे। लो भैया, अभी ताजा ताजा मरे, उठ के चल दी भैया। अरे ध्यान से चलाना साइकिल भैया। भैया कुछ गर्मा, मरे हुए आदमी को खबर रखना चाहिए। अरे हाँ, देखा करो पिक्चर उच्चर भी, पहले देखत रही। ओ चंद्र, ओला ओदर को पिलाओ, जल्दी खाता में लिख लेना। का हुआ, उठ के चले गए? अछूत है का? अछूत नहीं, भूत हो। भरत भैया, इसको मिला करके आज तक का हिसाब कर दो। वो का है ना, कहीं आपके साथ हमारा पैसा भी ना मर जाए। कई ठो चम्मच चीनी डाले हो? दो चम्मच। का हुआ, एक ठो और डाल दो। अरे चीनी नहीं जहर। का हुआ? भूत चाचा, साले सबको चाय में घोल के पी जाएंगे बुतुरु लोग। हवा निकालेगा।
का उल्लू की जैसे आगे फाड़े जाग रहे हो, सो जाओ थोड़ा। अरे का सोया, हमारा तो दिमाग सोच सोच के इतना हो गया है। अब तो गलीच बच्चा लोग भी हमको चिढ़ा रहा है, भूत चाचा भूत चाचा। साइकिल का हवा खोल दी। एक बात पता है, अब तो हमको भी डर लगने लगा है कि हम आदमी के साथ के भूत के साथ। अच्छा मजाक सोच रहे, अभी बताते हैं कि कतना बड़का भूत है मैं। अरे आज मंगलवार है। मंगलवार है? अरे बजरंगबली माफ कर दो। भरतलाल की कागजी मौत के लतीफे पर सारा गांव चुस्कियां ले रहा था, इसलिए अपनी समस्या को सुलझाने के लिए भरतलाल गांव के सरपंच के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा। अरे नचनिया को भी बुला भाई। अरे हो भैया, चूल्हा कर मार रहा है। मेहरबान साहिबान, हमारे ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करवाने के लिए शुक्ला गैस एजेंसी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पेशे खिदमत है लालम लाल गुल अनार। एजेंसी खोल लिए हैं, कहीं आग ना लग जाए। अरे भरतलाल कैसे हो? का बताएं, खराब ही है। अच्छा है, चलो मोतिया लो। हमको लगी ना है। अरे अरे थोड़ा सा मोतिया लो, जितना है उतना मोतिया लो, गर्मी निकल जाएगी। काम का है बोलो। आखिरी बूम से पहले का बोले, हमारे जीवन में भूचाल आ गई है, ये समझ ले। साइज के बराबर बात कर दी। ऐसा है, कल प्रमाण पत्र बना के ऊपर ठप्पा लगा के दस्तखत करके ही लिख देंगे कि भरतलाल अभी जीवित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कहाँ चल दिए? अरे वो पतुरिया के संग जाके दो चार ठुमकों का लगा लो, नहीं तो लोग कहेगा कि भरतलाल तो सच में मर गया।
क्या हो गई? ठीक कह रहे हैं सरकार, आज से पहले दारू में कभी डबल रोटी डुबो के आपको खाते नहीं देखा था। अबे ससुर मारेंगे कंटा, हम दारू की नहीं गैस की बात कर रहे हैं। अरे सरकार, गैस के मामले में तो हमको लागत है, आप खुदे साक्षात सिलेंडर हो। ईश्वर कब से इशारा कर रहा था गैस एजेंसी खोलने के लिए? सहने में सरानी हो आ? राम राम सरपंच साहब। है कौन? हम भरतलाल। भरतलाल? हाँ भरतलाल का। आज सुबह सुबह? अरे मालिक, वो आप दे दीजिए ना हमारा जिंदा होने का प्रमाण पत्र बना के गो फटाक से। प्रमाण? ना ना भैया, वो ना हो सकता है। ये कल रात बोले थे आप हो जाएगा, विश्वास भी दिलाए थे हमको। कहे होंगे? अब तुम ही बताओ, जकरा शंकर जी मार देवे ओकरा का ब्रह्मा जी जिला सकत है? जब लेखपाल ही लिख दिया कि भरतलाल मर गवा है, तो हम ओकरा सामने ब्रह्मा हुए ना, है तो हम कैसे जिंदा कर सकते हैं भाई ना। अरे तो ब्रह्मा जी की जबान भी तो कोई चीज होती है ना। पर होती भी तो चार चार है ना, अब कौन जबान से कब का कह दिए, कितना याद रखे है? और वैसे भी नशा में थे, का कहे का बता। सुनो, अपने यहाँ के राज्यपाल से बड़ा होता है लेखपाल, समझ गए ना? उसने अगर ही लिख दिया कि तुम ऊंट हो, तो तुमको साबित करने में जिंदगी लग जाएगा कि तुम ऊंट नहीं हो। सरपंच के मना करने के बाद भरतलाल ने उससे मदद मांगी जिसे हम सिस्टम कहते हैं, और फिर सिलसिला शुरू हुआ अर्जियों का। माननीय उच्च अधिकारी महोदय, श्री तहसीलदार साहब, आपके समक्ष ये निवेदन करता है कि लेखपाल हमको मार दिया है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भरतलाल बल कन्हैयालाल सरकारी धन्यवाद सहित प्रार्थी भरतलाल। भरत? हाँ भरतलाल लाल। हाँ ये लो, यहाँ हस्ताक्षर कर देना। इससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ अगर इनका जवाब नहीं आया तो 2 महीने बाद इनके बाऊजी को लिख देंगे। बाऊजी? हाँ इनके ऊपर वाले साहब। अच्छा कानून गो को, ठीक है। और उनका नहीं आया तो उनके ऊपर वाले को, यानी कि डीएम सीएम पीएम सभी को। हाँ हाँ सभी को। ठीक है, सबको लिखवा देंगे।
तो भाई के रह रहे। अरे रुक्मिणी, रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी, अरे इधर आओ तो सही। अरे संभल के। सुनो सुनो, वो जो हम चिट्ठी लिखे थे ना, उसका जवाब आ गया है। और ये भारत के प्रधानमंत्री ने हमको भरोसा दिलाया है कि लेखपाल उचित कार्रवाई करेंगे। तुम बहुत ही भोले हो। तुम भोले की पार्वती। क्या कर रहे हो? हर बात पे मजा। एक और चिट्ठी, एक और जवाब। पहले तहसीलदार को लिखे, वो बोला लेखपाल के पास जाओ। कानूनगो को लिखे, वो बोला लेखपाल से मिलो। डीएम को लिखे, गवर्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी को लिखे, सभी एक ही बात बोले, लेखपाल के पास जाओ। अभी प्रधानमंत्री जी, वो भी वही लिख दिए होंगे। मतलब ई ढेर मां, एक और कागज। वैसे ई जॉब आने में कितने बरस लग गए? 3-4। आखिरी बार बाजा बजाने कितने महीने पहले गए थे? 4-6। हम कितना महीने से पेट से हैं? 7-8-7। हाँ, वही तो हम बोल रहे थे। जाना तो, एक औरत पेट से होती है तो उसे कितनी भूख लगती है। जाना तो, कैसे जुगाड़ हो रहा है दो वक्त की रोटी का। कभी वो अचार वाले, मुरब्बे वाले के यहाँ दिहाड़ी करते हैं, तो कभी कहीं से उधार लाते। तुम कुछ नहीं जानते। जानते हैं रुक्मिणी। अरे डरो नहीं है, दिल की बड़ी अच्छी है ये। कहा है सब? अरे इतने गुस्सा करोगी बाप पर तो लगेगा ना खूंखार मां मिली है। सुनो, तुम ना टाइम से आ जाओ, फिर ना हम दोनों मिलके इसे ठीक कर देंगे। अरे तुम्हारा एक भाई भी है, छत पे गया हुआ है सूखने के लिए। है क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ बताओ। दाई देत है बधाई, बिटिया है घर में आई। अरे बिरती, उसका मुंह नाक हाथ कान सब ठीक तो है ना? सब मंगल है, पर बिटिया रो बहुत रही है। अरे रो रही, रो रही है बिटिया, बाकी सब ठीक है। अरे बाप कागज पे मृतक है ना, बिटिया इसी बात का शोक बना रही है। का नाम क्या लिखवाए? स्वर्गीय भरत लाल। अरे स्कूल में बाप का नाम क्या लिखाएगी? ये सोचो बिटिया का कन्यादान कौन करेगा? ए, ए बिटिया, अच्छा 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 अच्छा, हम है भरत लाल तुम्हारे बाप, शुद्ध जिंदा सबूत। ये देखो कितनी नाजुक हो तुम, हैं इतनी नाजुक कि अपने नाक पे बैठी एक मक्खी भी ना उड़ा पाओ। और देखो प्रभु की लीला, तुमको इस बॉन्डर संसार में भेज दिया हमने भरोसे। वाह रे विधाता, कमाल है तेरा विश्वास। अरे जब तुमको हमने भरोसे ही भेज दिया है तो हम भी कसम खाते हैं तुमको तुम्हारा मान सम्मान हक दिलवा के रहेंगे। अरे एक कागज की क्या औकात जो तुमसे तुम्हारा बाप छीन ले। सुना है सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती है, पर अपने देश का सच तो ये है कि जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में कागज होता है। इतनी ताकत है अपने सिस्टम में कागज की, और कागज की इस ताकत से टकराना ना तो कोई मामूली काम है और ना ही किसी मामूली आदमी का काम है। लेकिन भरतलाल
वो कागज से भी टकराया, सिस्टम से भी टकराया और साधु राम केवट से भी, यानी कि मुझसे। ताजा मुर्गा मिला था, सोचा इसे मीठा बतासा दे ही डालू। ये लो प्रसाद खाओ। प्रसाद? हाँ, पलटन बाबा का प्रसाद है, नतमस्तक होके खा जाओ। नाम नहीं सुने बाबा का, पलटन बाबा। नाम था पलटन यादव जी। वो भी तुम्हारी तरह कागज पे मृतक घोषित कर दिए गए थे। अच्छा। कचहरी में केस लड़ते लड़ते थक गए तो दुनिया से जी भटक गया। जी क्या भटका, जेब खाली हो गई, सन्यासी बन गए। अब जब कभी भी तारीख पड़ती है ना तो ये फीस दे जाते हैं बतासा। तो आज उनका था। आते तो मिलवाते तुमको। अच्छा, चलो एक और झांकी दिखाते हैं। हाँ आओ आओ। आपका काम करा के छोड़ेंगे, बता दे रहे हैं। कैसे हो पितामह? ठीक है साहब। जिंदा हो के मृतक? मृतक। ये बंदूक में गोलियां असली हैं कि नकली? गोलियां असली हैं लेकिन चलाने के लिए नहीं है। भीषम सिंह का नाम सुना है? वो बहुत मशहूर डकैत जो बहुतों को ऊपर। हाँ वो यही है। हाँ। सरकार ने जब डाकुओं को आत्मसमर्पण का मौका दिया ना तो इन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कसम खा ली कि कभी दोबारा हथियार नहीं उठाएंगे। सजा काटने के बाद जेल से जब अपने गांव पहुंचे तो सोचा खेती बाड़ी कर लेते। तब इनको पता चला कि इनके भाइयों ने इनकी जमीन हड़प लिया, उनको कागज में मृतक घोषित कर दिया जैसे कि तुम। अगर ये चाहते उस वक्त तो हथियार उठा के खात्मा कर देते उन लोगों का, लेकिन नहीं, कसम खा ली थी। भीषम से पितामह बन चुके थे, तब इन्होंने एक अच्छे नागरिक की तरह शराफत से कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। 20-22 साल से इस कचहरी के चक्कर काट रहे हैं अपने आप को जिंदा करने के लिए, पर कुछ नहीं हो पाया। अब जिंदा हो भी गए तो और कितना जी लेंगे, समझ रहे हो ना तुम? क्या नाम बताया तुमने? पितामह। नहीं नहीं, डाकू का नहीं, तुम्हारा। मैं भरतलाल, बैंड वाला। हाँ भरतलाल। हाँ देखो भाई, ये तो मैंने सिर्फ दो लोगों के बारे में बताया, और ना जाने ऐसे सोइयों केस हैं। मेरी मानो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब। अरे कैसे भूल जाएं, कैसे हम मृतक मान ले अपने आप को? नहीं देखो भैया, ये कंपाउंड देख रहे हो, लोगों से खचा खच भरा पड़ा है, चपरासी क्लर्क सब हाथ फैलाए खड़े हैं, रुपया रखोगे तो काम होगा। इतने रुपए हैं तुम्हारे पास? है तो नहीं, पर जुगाड़ कर लेंगे। अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी? हाँ, हाँ, पक्का? हाँ। तो ठीक है भैया, फिर आज से ही खाता खोल लो। कहाँ? केवट बैंक में। मतलब 125 रुपए तो फॉर्म और स्टाम्प पेपर के दे दो और 100 रुपए काम को सरपट दौड़ाने के लिए। हमारे पास 190 रुपया है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, 190 ठीक है। ऐसा करूँगा कि तुम्हारा फार्म है ना, वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भर दूंगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हाँ सस्ता वाला करवा दीजिए। हाँ, अब केवट की नाव में बैठे हो तो पार लगा ही देंगे प्रभु। हाँ जय श्री राम। जी जी। हाँ आप अयोध्या से हैं? हाँ हम वहीं से, समझ लो बस। हाँ ठीक है। अरे चाचा। हाँ सर। प्रणाम, हम जा रहे हैं। हो गया है साधु जी से बात, हम आएंगे। ठीक है? ठीक है। और रुक्मिनी से खाना नाश्ता कुछ आपके लिए लाएंगे। ठीक है ठीक है। जगह रखिएगा हमारे। हाँ साहब, जगह तुम्हारे लिए दिल में है। मुत्ता जी। हाँ जी। ये लो 180 रुपए 75 पैसे, आज तक का हिसाब चुकता। आज के बाद शाकाहारी खाने के लिए मत बोलना। नहीं बोलिए। इधर मटन दो प्याजा लगवा दो। ठीक है वकील साहब। ओ छोटू, साधु राम को मटन दो प्याजा दे दे। ओ बकरा मिल गया है। अरे यार कमाल कर रहे हैं आप, बकरा मिल गया है। अरे वाह, बड़े चहक रहे हो। ये देखो, बनारसी साड़ी। किसको सीमा? हम एक होशियार वकील मिले हैं, साधु राम केवट लाला बा। उन्हें मरने जीने वाले केस के धुरंधर है, बोले हैं हमारी नैया फार लगा देंगे। हाँ। सच्ची? अच्छा सुनो। हाँ। आज कौन दिन है? मंगल तो नहीं है ना? नहीं, सोम है। तो हमारा मंगल करा दो ना। ए बेटा 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 बेटा। यार के
किस्मत वाली तेरी मेरी यारी, हम चांद पे ले जाएं एक बैलगाड़ी। वहाँ नैनों से नैना लड़ाएंगे, बात करेंगे मीठी मीठी प्यारी प्यारी। वहाँ नैनों से नैना लड़ाएंगे, बात करेंगे मीठी मीठी प्यारी प्यारी। तुम पास आए तो हम पास आएंगे, सांसों से हम तेरी सांसें मिलाएंगे। जो भी है इस दिल में तुमको बताएंगे, सच के रहे हैं हम कुछ ना छुपाएंगे। दुनिया को भूल के तुझ में खो जाएंगे, वापस न आएंगे वापस न आएंगे। जरा जल्दी जल्दी जरा जल्दी जल्दी हजारा जल्दी जल्दी हाथों यारा बैलगाड़ी, तेज भागने लगी है धड़कन हमारी। घूस लेके काम खत्म। अरे मत परेशान करो, नए लेखपाल हैं। भाभी तुम इनके जमीन की कागज निकाल दो और तुम चिंता मत करो। देखेंगे हम तुमको देखे ही जाएंगे, ऐसे ही सारा दिन संग संग बिताएंगे। फूलों की बगिया में तुमको ले जाएंगे, खुशबू की दुनिया से तुमको मिलाएंगे। हाथ पकड़ के हम चलते ही जाएंगे, वापस न आएंगे वापस न आएंगे। मन भर आया मन भर आया मन भर आया मन भर आया मन भर आया, बातें सुन के तुम्हारी देखो हमने भी कर ली है तैयारी। कोर्ट कचहरी न्याय के वो देवता हैं जो समय और सपनों की बलि मांगते हैं, फिर रुक्मणी भाभी और भरतलाल के सपने इनसे कैसे बचते हैं। अरे महाराज जाइए जाइए, अब स्वादिष्ट वर्दी कुतरने को नहीं मिलेगी यहाँ। ये लो भरतलाल गिन लो। अरे नाना ठीक है बस एक मिनट। अरे ठाकुर साहब ये रख लें का, ये हमारे दुख दर्द का साथी। हाँ हाँ रख लो, वैसे भी हमें सब कबाड़ में बेचना है। चलो चलो ये टेम्पो वाले जल्दी करो। हाँ ठाकुर जी जल्दी करो। उदास हो साधुराम ने फिर से पैसे मांगे का? चार पांच महीना मां पूरे पैसे भाप की तरह उड़ गए। छोड़ दो ही कोर्ट कचहरी। अरे साधुराम जी बोले हैं वो लगे हुए हैं कुछ कर रहे हैं, और तुम बोल रही हो रुक्मिणी की छोड़ दें कोर्ट कचहरी। नहीं देखी जाती हमसे तुम्हारी तड़प।
तुम जीवित हो, हमारे सामने हो, हम बहुत खुश हैं। भूल जाओ ये सब, कुछ रोजी रोटी के बारे में सोचो। करते हैं कुछ। जब LLB से काम नहीं बना तो भरत लाल ने MLA के पास गुहार लगाने का फैसला किया। आखिरकार पिछले चुनाव में अशरफी की जीत में एक वोट भरत लाल का भी तो था। अशरफी देवी, शी इज द ब्लैक शीप इन द हार्ट ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस। इनके पिताजी बहुत ही बड़े जमींदार थे, शायद इसी की वजह से इनका नाम अशरफी देवी पड़ा। चमचों से ज्यादा अपने जमीर की सुनती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए भी इलेक्शन जीती और लोगों का दिल भी। अखबार वाले भी ना, कोई भरोसा नहीं रह गया इनका। मैडम मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है किस जिंदा आदमी को और कितना जिंदा करेंगे लोग। आप हमारे PR हैं, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। पता नहीं ये फोटो फ्रंट पेज पे कैसे छप गया, वेरी सॉरी। चलो कल की रैली से कुछ तो अच्छा हुआ किसी का। मैंने एडिटर को फोन कर दिया लखनऊ। पर ये क्रांतिकारी भाई है कौन, पता लगाइए नाम क्या है। अरे ये भरत लाल जी का घर। नमस्ते, भरत लाल जी है घर पे? जी नहीं, आप कौन? मैं सोनिया, मैं एक पत्रकार हूँ। ये लेख मैंने लिखा था। हाँ, वो कलम नाई के यहाँ पे दाढ़ी करवाने गए हैं। हे, एक फोटो ना, फोटो क्या? नहीं 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 नहीं, हमका ना खिंचवानी फोटो फोटो। कल्लू भैया, आज दाढ़ी बना के ना फिटकिरी रगड़ देना अच्छे से मुंह पे। क्यों, कोई बारात का सकता है का? एक सुंदर घनघोर कन्या अखबार में फोटो लिए तुम्हारा पता ढूंढ रही है। ये लो मैडम आ गई। नमस्ते भरत लाल जी, मैं सोनिया, आपसे बात करनी थी। अरे आप ज्यादा, अरे आपका होली का हॉलीडे नहीं है का? कहिए भला ये हॉलीडे। अरे यार सोनिया, मैंने कहा था होली के दिन नहीं करते हैं इंटरव्यू। अरे तुम चुप करो, पकड़ो अभी। अरे दादी सुनिए, भरत लाल है या नटवर लाल? अरे बाबू, अभी मजाक का टाइम नहीं है, बस 5 मिनट चाहिए भरत लाल जी। अरे वाह भरत लाल जी, हम काहे पीछे पड़ी हैं भाई? अरे भरत लाल जी, मैं एक पत्रकार हूँ, आप क्यों ऐसे भाग रहे हैं? अरे हमको नहीं देना इंटरव्यू, ये फोटो में खिंचाना हमको। हाँ, अरे भरत लाल जी, मैं आपकी कहानी प्रेस के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। इसलिए तो हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। भले ही हमारा गाँव में मजाक उड़ रहा है, अब आप छाप दीजिएगा तो पूरे संसार में मजाक उड़ेगा। अरे इसीलिए तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। काहे मदद करना चाहती हैं आप भाई? बस आप समझ लीजिए कि आपके दुख को और आपकी तकलीफ को मैं सिर्फ समझती ही नहीं, महसूस भी करती हूँ। सही कह रही है। हमारा भरोसा कीजिए, आपकी मर्जी के बिना अखबार में एक शब्द भी नहीं जाएगा। प्रॉमिस। ठीक है, हमको अच्छा आदमी औरत लग रही है आप, हम भरोसा कर रहे हैं।
पर एक विनती है आपसे, खबर ही छापिएगा, चुटकुला नहीं। ठीक। तो राज सत्ता का ये भूत आपने छोड़ा है। मैम, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको कुछ करना चाहिए। जरूर। लेट्स मेक दिस मैन कम अलाइव अगेन। ऑफ कोर्स, वी मस्ट डू दैट। अरे साधुराम जी, अरे भरतलाल, अखबार से कुछ होगा फायदा? अरे फायदे नुकसान को छोड़ो, तुम अभी मेरे साथ चलो। कहाँ? मैयत में। वो भीष्म पिता से तुमको मिलवाया था ना, वो अभी अभी खबर मिली है कि गुजर गए, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अरे भाई तुम भी चलो, तुम्हारी तो बिरादरी के थे मृतक। क्या हुआ? चले गए। चलिए चलो चलो। भरतलाल, इस मौत ने तो उनको एक ही बार में मार दिया, लेकिन वो जो कागजों की मौत थी ना, उसने तो इन्हें पिछले 20 साल से हर रोज जरा जरा करके मारा है। कमाल की बात है ना, जब तक कानून के खिलाफ थे, अपराधी थे, तो जिंदा थे, और जब कानून के साथ चले तो मर गए। जब तक अपराधी थे तो जिंदा थे, जब तक अपराधी थे तो जिंदा थे, जब तक अपराधी थे तो जिंदा थे। चाचा अंकिल, अंकिल अच्छा हो जाओ, अच्छा चाचा चाचा मेरे को दो ना चाचा। चॉकलेट? अरे चाचा चॉकलेट नहीं, चॉकलेट। और ये ले घिंदी अपना। सुशीलवा, आज ना हम लोग अपहरण अपहरण खेलेंगे। ये कैसे खेला जाता है? कैसा? हाथ उठाओ। अपहरण अपहरण अपहरण। सुनो, ये खेलने के लिए ना एक जामा सूट पहनते हैं। हाँ, ये देखो चाचा, ये आप भी पहनोगे? हाँ हम भी पहनेंगे, चाची भी तुम्हारी पहनेंगी, पूरा परिवार पहनेगा। इसी से निकालो, ऐसे रखो। अरे ताले आए भैया। अरे कुछ ना, गणेश जी की मूर्ति है। अरे चाचा, हम गणेश जी महाराज नहीं है। हाँ सुशी, ये अपहरण अपहरण में झूठ बोलना पड़ता है ना। आए भाई, आए रुक्मिनी। ये बोरे में का कबाड़ उठा लाए? कबाड़ नहीं है, खजाना है, खजाना। अपहरण चाचा, अपहरण अपहरण। ये कौन है? सुशीलवा है, है? हरि भैया का बिट्टवा। अच्छा अच्छा, बेटा उधर जाके खेलो भाई लोग के साथ। ये सब का है? चुप रहो, चल। सुशीलवा को ना मकवा करके लाए। कहा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कुछ हमारे बारे में सोचो, कुछ बच्चा लोगों के बारे में सोचो। हमको सिर्फ ये सोचना है रुक्मिणी, कि पितामह के जैसे नहीं मरना है। सीधे रास्ता पे चल के बहुत देख लिए। तो कहा अपराधी बनोगे? हाँ, अपराधी बनेंगे। फिल्म बिंदिया और बंदूक में
वो बिंदिया पर अत्याचार हुआ काकी। काकिया? बंदूक उठा ली, हम पे अत्याचार हुआ, सुसिलवा को उठाए। अगर कानून ने बिना अपराध के हमको मौत की सजा दे दी है, थोड़ा अपराध करके जिंदा होने का कोशिश कर लेते हैं। हरी भैया, चांसनी में झेंगूर गिर गया है। तो फेंक दे भैया, ये पूरे 5 किलो है। अरे खजूर, झिंगूर को फेंकना है, चांसनी को नहीं। भैया मिठाई की दुकान पे सब शहीद होते रहते बेटा, आप किस किस के लिए शोक मनाओगे? हेलो हेलो हेलो, पानी लगी अब। हरी भैया, हाँ हम बोल रहे हैं। भरत भरत, अच्छा सुनो, अपना सुसिलवा, नहीं तुम्हारा है ना बेटा सुसिलवा, उसको हम अगवा कर लिए हैं। और उसको सही सलामत चाहते हो ना, तो जाके पुलिस में एक रिपोर्ट करवा दो, समझे? और अगर हमें खोजने का कोशिश किया या हमारे पास आए तो सुसिलवा से हाथ धो बैठो, समझ लो। हाँ। भानु भरत, सुसिलवा, अरे गुंगा, अरे देवी भैया कहाँ है? अरे जल्दी से उनको लेकर के घर पे आ। अरे अम्मा, क्या बात है, क्या हुआ? सब लड़बड़ा गया है। अम्मा, अरे अरे ऊपर तवा बहुराई गवा है। अरे क्या हुआ है? हाँ, अरे क्या हुआ है जी, काहे कहां पर बुलाए हो? अरे भैया, ये गुंगा क्या कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे 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 भैया, वो भरतवा जो बाटे ना, वो अपना सुसिलवा के अपहरण कर लिया। सुसिलवा के बापू। चुप कर, चुप कर, रोना चुप। अच्छा सुनो सुनो, तुम लोग थाने जाओ और ससुराल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ जाके। अरे बाबूजी, यही बात तू भी कह रहा था कि जाके थाने मेरा पट लिखवा, ना तो सुसिलवा को मार देगा। हाँ चल 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 चल। इनका देखो, सदमे के मारे पगलाई गई है बेचारी। पगला हम नहीं, तुम लोग गए हो। बहुत लोमड़ी वाली चाल खेले हैं हमारे भतीजा। वो चाहत हैं कि हम पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं, ताकि उनका नाम आ जाए सरकारी कागज में और वो हो जाए जिंदा, समझो? अरे अम्मा, का कौड़ी चली हो बिटवा? तुम्हारी अम्मा शकुनी मामा की अम्मा की भी अम्मा है। कहीं किसी को जाए वाए की जरूरत नहीं है, आराम से सब लोग जाओ अपने अपने काम पे। और भरत लाल की नौटंकी देखो। ए रुक्मिणी, ए लगता है पुलिस आ गई हमको गिरफ्तार करने। हम पुलिस वालन के लिए कुछ खाए पिए कर लेकर आते हैं। दीवते जाए रहे। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा हम पे, गिरफ्तारी करवा दीजिए। कहाँ चले गए? पता नहीं। लेहट, हमको बैठने दे। देख मेरी मिट्टी गिर गई। उठा के। मेरे डायर खा। हट। क्या कहत रहा हूँ? किसी सुला को मार दिया है?
ए, चुप हो जाओ, चुप। ए में जरूर भरत की कोनो चाल है, वो ससुरा चूहा ना मार सकत है। सही कह रही अम्मा। ए सुसिलवा के पंख निकल आवा रहा का। चाचा देवी भैया है। अरे बहुत सही वक्त पे आया भाई, जरा देख के बताओ तो इंसान का खून है कि मुर्गा का या मुर्गी का। अरे मुर्गा हो चाहे मुर्गी, लिंग जान के क्या करोगे तुम। अरे ये तो हमरे चिलगोजे का खून है, अपने भरत भैया आए थे हमारी दुकान पर ही कमीज लेकर। अरे अरुण भाई मुर्गा का खून में थोड़ा डुबा दो इसको। अरे वो मन्नत मांगे है पूरा हो जाए ना, ये साबित हो जाए कि हमरो देह में इंसान का खून दौड़त है। हम कह रहे थे हमें भरत की कोनो चाल है, अब देखो, अब देखो वो खुद आएंगे हमरे सुसिलवा को छोड़ने। अगली बार फिर यही खेल खेलेंगे। अरे नहीं बेटा, फरन फरन नहीं खेलेगा, कुछ नया खेल खेलेंगे। ठीक है चाचा। अरे वाह अच्छा हुआ यही मिल गए। अरे सुशील लीजिए, सुशील राजा को। पापा ले जाओ उसे, अपहरण अपहरण सिखाएंगे। अरे कैसे बाप चाचा हो तुम लोग, एगो FIR नहीं दर्ज करवाए। FIR देखो कुछ ना कुछ करके परेशान करता है साला। भागा कहाँ रे अब देखिए मारपीट किसने की, वो हमारे चचेरे भाई दुष्ट हरिलाल भैया, वो राक्षस देवीलाल और शैतान गुंगा तीनों थे हमारे। देखो तुम ये बताओ कि झगड़ा हुआ क्यों। हुजूर एक बात बताइए, हम आपके बच्चे को अगवा कर लेंगे तो आप क्या करेंगे। अबे तुम्हारी गर्दन पकड़ के ना तुमको एक मिनट में अंदर कर देंगे, और ये रजिस्टर देख रहे हो रजिस्टर, हाँ। इसमें तुम्हारे खिलाफ 25 दर्जन केस जड़ देंगे। बस यह लालच में, यह लालच में हम अपने भतीजे सुसिलवा का उठा लिए थे ताकि एक केस दर्ज हो जाए बस। क्या अरे तुम अपने भाइयों के खिलाफ रपट लिखाने आए हो या अपने आप को गिरफ्तार करवाने। हुजूर आत्मगिलानी में ना हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। देखो भैया गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है, गिरफ्तारी के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। ई का है बे कागजी कार्रवाई, तुम का घूस दे रहे हो घूस। आप नहीं लेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे देश में एक दरोगा ऐसा भी है। वो कमला देख रहा ना, उसके नीचे रख दे। रख दिए, अब जा अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते फिर गमले में पानी देना पड़ेगा। अबे तब का तब देखेंगे क्या करना होगा, अभी जा। ए सीधे होके जा, नौटंकी बाज। ईका कर रही हो तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी गिरफ्तारी हुई जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, प्रभु जेल भिजवा दीजिए, सारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। साहब दरोगा साहब हम आ गए, हैंडसम। हाँ बोलो क्या काम है। हम आए थे ना उस दिन यहाँ छटपटा रहे थे नीचे। अरे उस दिन तो वो मंगो चाय वाला भी आया था। अरे नहीं नहीं तुम किस काम से आए। हम आए थे ना वो आत्मगिलानी में आत्मसमर्पण करने। अरे अगर इतनी आत्मगिलानी हो रही है तो आत्मगिलानी में किसी नदी नाले में कूदकर आत्महत्या काहे नहीं कर लेते हो हैं। एक मरा हुआ आदमी कैसे आत्महत्या कर लेगा। अच्छा आप एक काम करो, हमको गिरफ्तार कर लो,
अबे हम जिंदा लोगों को गिरफ्तार करते हैं, मरे हुओं को नहीं। कर लो पत्नी पूजा करके भेजी है सर, कर लेना सर। भाई लोग कागजी कार्रवाई कर गए क्या, पैसा खिला के? अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिए। काहे का अपहरण मैडम, दुनिया भर का पैसा खर्च हो गया और हमारे खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो पाया। क्या भरतलाल, तुम्हारा दुख हम समझते हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से ना तुम अपने को ही नहीं अपने परिवार को भी मुसीबत में डालोगे। अरे क्या मुसीबत मैडम, अब इससे बढ़कर मुसीबत होगी। एक घुसखोर आदमी ने गलती कर दिया है, सुधार का नहीं देते हैं लोग। सीधी सी बात है भरतलाल, गलती सुधारने का मतलब होता है गलती स्वीकारना। हमारे सिस्टम का मसला गलती सुधारने का नहीं, गलती स्वीकारने का है, समझे आप? बीमारी पकड़ लिए है मैडम आप, अब इलाज भी आप ही बता दो। अब ऐसा कीजिए, अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए, भरत लाल मृतक। जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। क्यों? वाह मैडम, भरत लाल मृतक, भारत का लाल वो भी मरा हुआ। अशर्फी देवी की सलाह मानकर भरत लाल ने अपना नामकरण पूजन विधि विधान से गांव के लोगों के समक्ष किया, और उसी दिन बोनस में उसे मिल गए अपने जैसे कुछ और मृतक, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप लोग गए नहीं, हम आओ सर मृतक। फिर तो भरत लाल ने पूरे प्रदेश से अपने जैसे कागजी मृतकों को इकट्ठा किया और एक पार्टी खड़ी करा ली। हम भरत लाल मृतक, आदरणीय MLA अशर्फी देवी जी मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उनकी मदद से हम यहाँ तक आ पाए, हम लोग इतना बड़ा कदम उठा पाए। अब मजाक में माने चाहे सरकारी कागज के हिसाब से माने तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग मृतक हैं, भूत। भूत नंबर एक खुदीराम गांधीनगर से, और भूत नंबर दो बसेसर भाई, भूत नंबर तीन अहमद भाई बलिया से, और भूत नंबर चार है महेश जी, उनको इतना सदमा लगा है कि अपना एड्रेस भी नहीं बता पाते हैं, और भूत नंबर पांच है रानी सराय से सीता देवी। अब आपको भूत बोले कि भूत नहीं, हम भी समझ नहीं पाते हैं, सबका नाम तो लेना मुश्किल है और याद भी नहीं है भाई लिखा हुआ इसमें। तो इसलिए मैडम अशर्फी देवी जी के आशीर्वाद से हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मैडम थोड़ा विमोचन कर दीजिए, उठिए। हमारे पार्टी का नाम है पर्दे के पीछे लिखा हुआ है, अखिल भारतीय मृतक संघ, अखिल भारतीय मृतक संघ। ये है तुम्हारा भाई अखिल भारतीय मृतक संघ? किसकी जमीन निकल गया तुम लोग? मैडम अब तेरा झंडा फहराएंगे मैडम, चल के आइए। सड़क पे फेंके सिक्के बटोरने वाला बैंड मास्टर और अशरफी देवी को नचाई दिए, कौनो बात तो है तोरे भाई माँ, तभी तुम दबाकर अमली शरण में आए हो। हाँ कछु नहीं कर सकते तोहरा भाई, ऐसे बहुत होते हैं। अरे कितने कांड तो हम ही कर दिए हैं जी, विधायक है हम विधायक, बरसों का तेल और लाखों का खेली काजे बाजे वाले को बिगाड़ने थोड़े देंगे। निश्चिंत रहो निश्चिंत, अब सरकार है तो चमत्कार है। हमारे संगठन की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और देश भर से मृतक लोग बस में रेल में बैठ के आ रहे हैं और हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मृतक संघ। स्पीकर महोदय, मैं इस सभा के समक्ष एक बहुत अहम मसला पेश करने जा रही हूँ। हमारे प्रदेश में इन दिनों एक बहुत अनोखी बीमारी फैली हुई है, बीमारी का नाम है जिंदा मृतक। मैडम
या जिंदा लोगों को न्याय नहीं मिलता है और अब मरे हुए को न्याय दिलवाएंगी? जगनपाल के ठाकों से सोनिया का दिल तो जरूर दुखा, पर उसने ठान लिया कि अब वो भरतलाल की कहानी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाएगी। जय श्री राम। भरतलाल लो भाई उद्घाटन करो। हम? अरे भाई अब तुम मशहूर हस्ती हो, आए दिन तुम्हारी अखबार में फोटो छपती रहती है, शायद इसी चक्कर में हमारी भी छप जाए। और वैसे भी तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो भाई, जब से इनका केस हमारे हाथ में लगा है ना जी, तब से और केस भी आने लगे हैं, तभी तो ये दुकान खोली है। हमारी बंद हो गई, इनकी खुल गई। अरे यार तुम भी बस। यहाँ काट दो। हाँ काटो काटो। जय श्री राम। धन्यवाद। अरे साधु राम जी, अब तो आप बड़े वकील हो गए हैं, फीस भी? भैया फीस में तो अब बदलाव होगा, आज से तुम्हारे लिए हमारी फीस होगी कि हम जब भी घर में आए ना तो रुक्मिणी भाभी के हाथ की एक कप प्याली चाय और एक ग्लूकोज का बिस्किट फीस दे पाओगे इतनी? वो हो जाएगा। आओ। आप तो हमारा बोझ हल्का कर दिए। कैसे भाई? आजकल क्या काम वाम है नहीं, जब से मृतक हुए हैं कोई शुभ काम में नहीं बुलाता, अब तो खाने का दिक्कत हो जाता है कभी कभी। बेचारी रुक्मिणी जीते जी विधवा का जीवन जी रही है। ओहो हो हो। भरतलाल जी, ये सरकार आजकल विधवा पेंशन स्कीम में विधवाओं को पेंशन दे रही है, भाभी को क्यों नहीं भेज देते उधर, शायद पेंशन मिल जाए, और अगर नहीं भी मिली ना तो सरकार के मुंह पे तमाचा तो पड़ ही जाएगा। तमाचा ठीक रहेगा। सरकार विधवा बनावल कि पति मोरे जिंदर सखिया, सरकार विधवा बनावल कि पति मोरे जिंदर सखिया, जिंदर सखिया के जिंदर सखिया, जिंदर सखिया के जिंदर सखिया के पति मोरे जिंदर सखिया, सरकार विधवा बनावल कि पति मोरे जिंदर सखिया। दुख दुख हो रहा है। अच्छा हम कहाँ खाएंगे अंदर जाके? अरे तुम मरे हुए आदमी की मेहरारू हो, डरो मत, ठीक है? चलो चलो, तुम चलो ना साथ में। हम चलेंगे, बाहर खड़ा रहेंगे। चलो चल रहे। हाँ हाँ। तो आपके पति भरतलाल मर चुके हैं जी, 10 साल हुए। लेकिन आपकी तो मांग में सिंदूर है जी, गले में मंगलसूत्र है जी, वो हमारे पति कानूनी तौर पे मर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है साहब। बोरा गई है का? देखिए पति के जीते जी पैसों के लिए विधवा बन के आ गई है। कलयुग है, कलयुग बने नहीं है, सरकार ने बनाया है, इसीलिए मांग में सिंदूर डाले तो क्या हुआ, गले में मंगलसूत्र पहने तो क्या हुआ, आप हमें विधवा कहिए और विधवा पेंशन से पेंशन दीजिए। देखिए देवी जी, ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। काहे? इसलिए कि जिस औरत की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो विधवा कैसे हो सकती है? तो हमारे पति को जिंदा घोषित कीजिए। ये काम भी हमारा नहीं है, सरकार का है। साहब हम लोगों के लिए आप ही सरकार है, और आप ही कह रहे हैं ये काम आपका नहीं सरकार का है, तो हम गरीब लोग कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? साहब हमको न्याय कहाँ मिले, बहुत थक गए हैं साहब, खोलो रास्ता दिखा दो, भूखे मर रहे हैं साहब। देखिए लंच ब्रेक होने वाला है, हाँ खाना खिला देते हैं आपको। क्या हुआ रुक्मिणी? आप कौन? हम इनके पति हैं। आप इनके पति हैं?
अच्छा तो अब वो है जो 10 बरस पहले गुजर गए थे। अरे आइए आइए महाराज, आपको भी भोजन कराई देते हैं, कर लीजिए। इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को भूख लगी है तो बोलो भैया भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खिला दो, नहीं तो किसी मंदिर मंदिर के बाहर जाके बैठ जाना। भिखारी नहीं है हम, भिखारी नहीं है। अरे रुक्मिणी, सुनो, अरे क्या हुआ अब इसमें? इसे अरे इसमें रोने की कौन सी बात है रुक्मिणी? अरे सब अरे सरकारी ऑफिस में ऐसे ही करते हैं। अरे तुम रुको रुको रुक्मिणी, रो मत भाई। अरे भाई रुक्मिणी, अरे भाई सरकारी ऑफिस में ऐसे ही होता है, हम 10 साल से देख रहे हैं। अरे तो अरे हम कभी रोए, गुस्सा हुए, हम तो हमारा दिल टूटा कभी? अरे तुम्हारा पहली बार था ना सरकारी दफ्तर में। रुक्मिणी भाभी अपना ये अपमान सह नहीं पाई और अपना दुख सुनाने अपने मामा मामी के पास पहुंची, जिन्होंने बचपन से ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था और हमेशा से उसकी खुशियों का ख्याल रखा था। सोनिया जी ने इसमें हमारी कहानी लिखी है, हम चलते हैं। चलिए चलिए हम छोड़ कर चलिए। एक तो फोटो भी ले लीजिए मामा जी के साथ। हाँ मामा जी बोलिए। बेटा आपकी दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। देखो बेटा बुरा न मानो तो हम कुछ पैसा लाए हैं, इसे अपन बैंड का काम फिर से शुरू कर दो। इसके लिए गए थे तुम वहां? नहीं 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 बेटा ऐसा कुछ नहीं, ये हमसे कुछ नहीं बोली। मामा जी आपका स्नेह आशीष बहुमूल्य है और हमारा आत्मसम्मान अनमोल। पैसा रुपया धंधा का बात नहीं है मामा जी, कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है अब, मान सम्मान पहचान की लड़ाई है, रुपया पैसा हमारा आत्मसम्मान उसकी चिंता ना है तुमका। विजय वो टाइम फटी ना कूट देंगे तुमको। अरे रुक्मिणी वो विदेश में लोग जान रहे हैं, सब जगह कहानी पहुंच गई, अब तुम बोल रही हो पीछे हट जाए। पीछे काहे हट सकते हो, चस्का जो लग गया तुमको अखबारों और पत्रिकाओं में फोटो छपाई का, पूरे दिन दिमाग में बस एक ही भूत सवार रहता है, पगला गए हो तुम। तो कहा इस पागल के पास, वही रहो जहां गई थी भीख मांगने। अरे बेटा क्या कह रहे हो ये, रुक्मिणी तुम्हें जरा समझो भाई। अरे नाना ये ना समझेगी, इसी के चलते तो गए थे हम बिना मर्जी के बैंक में लोन लेने। हम तो खुश थे, हमारा तो बैंड बाजा अच्छा चल रहा था, बिना मर्जी के जबरदस्ती भेजी हमको लोन लेने के लिए बैंक है? जैसे हर महाभारत के पीछे एक द्रौपदी होती है ना, हमरी वाली के पीछे तुम हो तुम। कहा गए बस यही सुनना बाकी रह गया था। हम जा रहे हैं मामा के घर अपने बच्चा लोग उनको लेकर। के साथ ना चाहते हुए भी भरतलाल और रुक्मिणी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। भारी जिंदगी, एक तरफ दिल टूट रहे थे तो दूसरी तरफ दिल
जुड़ रहे थे। शादी हो गई है, अब आखिरी बार स्माइल प्लीज कर ले। मुबारक हो, मुबारक हो। आइए, वेलकम। मुबारक हो। थैंक यू। भरतलाल नहीं आए? अरे भैया, वो तो बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं। वो करप नहीं, कांड करते हैं, और वो भी बड़ा वाला। आपको पता है, इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ। कंकाल का चुनाव चिन्ह हो गया भाई। क्यों भाई, कंकाल में क्या खराबी है? ये तो हम सबके भीतर होता है, आपके भी है, वक्त आने पे बाहर निकलेगा। चलो भाई। भरत लाल इलेक्शन तो लड़ा, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि हारने के लिए। हार की खुशी में लड्डू भी बांटे। क्योंकि उसका प्लान था कि वो इलाहाबाद कोर्ट में अपील करेगा कि अगर वो मृतक है तो इस इलेक्शन को खारिज किया जाए, क्योंकि मरे हुए आदमी का इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, और इलेक्शन खारिज नहीं करते तो फिर उसे जिंदा किया जाए। भाई भरतलाल, चुनाव हो गए, अब क्या करोगे? साधुराम जी, तुम्हारे भरतलाल तो बहुत जोरों से जिंदा है भाई। ए हुजूर, जब मान गए हैं आप तो आप खुद ही एक अपने लिखावट में लिख के दे दीजिए कि हम जिंदा हैं। देखा मिलोट, हमने आपसे कहा था ना कि ये आदमी पागल है, पागल। अरे बरसों से तरह तरह से सरकारी कामकाज में अड़चन डाल के सुर्खियां बटोरने का शौक है इस आदमी को। इसकी तो बीवी तक ने कहा है लोगों के सामने कि ये पगला है, पगला। अरे भैया, वो तो सबकी बीवियां कहती हैं, जज साहब की भी कहती होंगी। अब जज साहब की बीवी इनकी बीवी की तरह इनको छोड़ के चली नहीं गई होंगी। कैसी बेवकूफी वाली बातें करते दोनों, जबरदस्ती हमारी बीवी घुस रही बीच में। हमारी तो शादी नहीं हुई, हमने की नहीं, हो ही नहीं पाई एक्चुअली। और तुम भरतलाल, तुम जिस चुनाव को खारिज करने की बात कर रहे हो वो कोई खेल नहीं था, पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे उसमें। तुम्हें पता है किसी चुनाव कराने में कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है? उन लोगों का समय और कोर्ट का समय जाया करने की तुमको याद नहीं दी जाएगी, समझे? अरे हुजूर, कोर्ट का तो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका क्या? 12 साल से आस लगाए बैठे हैं कि जिंदा हो जाएं, जिंदा हो जाएं। तुम जिंदा हो या मृत, ये केस दूसरी अदालत में चल रहा है जिसका निर्णय आना भी बाकी है। साधुराम जी, इस केस को डिसमिस कर दे। नहीं, आप जो करना हो डिसमिस सब कर दीजिए, हमको जिंदा कर दीजिए बस। कैसे जिंदा कर दे भाई, लेखपाल ने तुम्हें कागज पे मारा है, कागज पे। हुजूर, आप कागज की बात कर रहे हैं और हम इंसान की, आप अदालत हैं, आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? कागज बड़ा है कि इंसान बड़ा है? दिल इंसान के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? खून जो है वो इंसान के बदन में दौड़ता है या कागज में दौड़ता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? अरे जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था ना, अदालत तब भी थी, कचहरी तब भी थी, ये कागज तब भी था, पर इंसान की हालत हमने जैसे नहीं हुई थी। अरे आपको दिखता नहीं है, एक जिंदा आदमी खड़ा है आपके सामने, चिल्ला रहा है, माथा फटने वाला है उसका। आप अंधे हैं क्या आंख होते हुए? अभी तक सुना था कानून अंधा होता है, आज पता चला कि जज भी अंधे होते हैं। हमको तो जज नहीं, एक नंबर के जाहिल लग रहे हैं। अंजाम जानता है इसका तू? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में जो करना है करिए, हमको फांसी चढ़ाइए, सूली चढ़ाइए हमको, पर एक घंटा घर के घंटे की तरह ना अधर में मत लटकाइए हमको। महामूर्खाधिराज कबूतर की तरह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर। बहुत भरे हुए भाई, बहुत भरे हुए। कोर्ट अर्जन करो, अर्जन करते हैं कोर्ट, अर्जन करो। भरतलाल जी, ये क्या किया, मुसीबत में पड़ सकते हैं आप।
अरे कुछ नहीं किया, जानबूझ के किया है। अब इसी बहाने गिरफ्तार करवाएंगे ना और रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। हैं? बहुत अच्छे भैया। महाराज गुरु गुरु जय हो। गुरु तो आप हैं, साधुराम जी आप ही से सीख रहा हूँ। सर आपको लगता नहीं कि उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए? कचौड़ी आई जी सर, राधे श्याम के यहाँ से। राधे श्याम के यहाँ की जी सर। त्यागी जी हम जज हैं, इतना भी जज नहीं कर पाएंगे, कचौड़ी कहाँ की है? बात तीखी है, उसने भी बहुत तीखी बात की पर सच की। एक्चुअली क्या है, हमारा सिस्टम जो है आम आदमी के लिए उत्पीड़न का हथियार बन गया। इसमें बदलाव तभी आएगा जब भरतलाल जैसे सनकी पागलपन की हद तक उतर जाएंगे। मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा और तुम देख लेना, कोर्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सरेआम हाई कोर्ट में जज की बेइज्जती कर दो और फिर भी कोई केस दर्ज ना हो, ऐसा सौभाग्य ही भरतलाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। का मामा जी, कहीं लॉटरी लग गई का? अरे नहीं बिटिया, पहले चुनाव फिर कोर्ट में हंगामा, बहुत टाइम हो गया, दामाद जी का कौनो खबर नहीं मिली। सब कुशल तो है, का कहते बिटिया, जाके देख आई का? सब कुशल ही होई मामा जी, वो हार मान लेने वालों में से नहीं है, ये तूफान से पहले की शांति है। चाहिए, चुप हो जाइए। रुक्मिणी भाभी ने सही कहा था, तूफान आ चुका था। भरतलाल ने अशरफी देवी की सिफारिश से विधानसभा की विजिटर गैलरी का पास बनवाया और वो कांड किया जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में आज भी दर्ज है। शांति बनाए रखिए आप सभी। सारा देश हमें देख रहा है। ऑल इंडिया मिर्ताक सेन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मिर्ताक सेन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मिर्ताक सेन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मिर्ताक सेन जिंदाबाद। हमको चिंता करो, हमको मुर्दा कर दिया गया है, हमको चिंता करवाइए, हमको न्याय चाहिए। अरे ये घनघोर व्यक्ति कौन है भाई? अरे कुछ नहीं, पगलेट है साला, अखबार पढ़ा कीजिए ना, रोज का नौटंकी है इसका। हम आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के नागरिक है, वंदे मातरम। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कागा के हम भी पले बढ़े हैं। और सुनिए, हम खाली हम पर्चे फेंके हैं, खाली हमको न्याय चाहिए, हमको चिंता करवाइए, हमको कागज पर मार दिया है सर, हमको चिंता करिए, हम कहाँ जाएंगे? आप ही न्याय नहीं देंगे तो कौन देगा हमको न्याय? ऑल इंडिया मिर्ताक सेन। ये क्या हो रहा है महोदय? पेपर की जगह बम भी हो सकता था, पेपर बम। छोड़ो, अब गुनाह किया है तो हमारी रिपोर्ट दिखाओ, हमको फांसी चढ़ाओ। वो जिंदा लाश जो आ रही है, तनिक उसकी खातिरदारी तो कीजिए। भगत सिंह भी पर्ची फेंका थे तो उनको जेल भेजा गया था, हमको भी जेल भेजिए, फांसी चढ़वा दीजिए हमको, जेल भेजो हमको। पर्चे फेंकेगा भगत सिंह बनेगा तू? क्या छुपाया पेंट में? एक चेक करो, एक कुर्ता पर उसका पूरा कपड़ा निकालो उसको, देखो काका छुपाया उसने। पेंट खोलो, पेंट खोलो उसका साले का। मारो कुत्ता पकड़ने का गाड़ी बुलाओ। भगत सिंह बनोगे? पर्चे फेंक। पागल है पागल। तुम्हारा दिमाग खराब हुई गवाएगा? भगत सिंह बनेगा तू? अरे पागला साला, मारो कुत्ता, मारो, ए गाड़ी बुलाओ, कुत्ता पकड़ने का गाड़ी बुलाओ। अरे इधर सचिन भाई के साथ गया। पागल है पागल, रोज का नौटंकी है इसका। अरे कुछ नहीं, पगलेट है सर। राम जी के लिए आसान था रावण कुमार ने, उसका 10 माथा था पर दिखता था। यह सिस्टम के रावण का न जाने कितना माथा है, कितना मुंह है, कितना आंख है, और जब भी कोई मुंह खुलता है तो गरीब की बलि मांगता है, उसका अधिकार छीनता है।
कैसे लड़े इस सिस्टम से। भरतलाल का मनोबल एकदम चकनाचूर हो चुका था और अब उसे अपनी बीवी और बच्चों का साथ चाहिए था। सुनो ना, घर चलो इन लोगों को लेकर, जैसा कहोगी वैसा करेंगे। अब ये जिंदा फिंदा का लड़ाई छोड़ देंगे हम, मृतक ठीक है। जानते हो जिंदगी में हम सबसे बड़ी गलती काकी है। हाँ, हमसे शादी दत्त तुम्हारा साथ छोड़कर आने की। भरत हाँ? जा। और उससे भी बड़ी गलती का करेंगे ई बखत तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे टूटे हुए हौसले को और तोड़ देने की। ये लड़ाई इतने बरसों में तुम्हारा जीने का आधार बन गई, लक्ष्य बन गई। ये लड़ाई तुमको हम सब का खातिर जीतना ही पड़ी। ई बखत तुम्हारे साथ चलकर तुमको कमजोर नहीं करेंगे। पागल थे, पागल हो और पागल ही रहो। जब जीत के आओगे ना, तब सबसे पहले हम ही आके तुम्हें फूलों की माला पहनाएंगे। वो हार गए तो हम कहीं सुने हैं, अगर इंसान हारे भी ना तो वो काम करके जिसे वो दिल से करना चाहिए। तुम्हारी माई मदर इंडिया है। भरतलाल के शव यात्रा का न्योता है। सरकारी सिस्टम स्वाहा, विधानसभा स्वाहा। देखो भैया गिरा गिराना देना, आरती प्लेट ने प्रैक्टिस नहीं है, बहुत डर लगता हमको। अरे किला मिल जाता ठीक कर यार, पैसे काट लेके। तो भैया जी वो कहा है कि ज्यादातर तो इस पे मुर्दा ही सोता है, आज तक तो कोई कंप्लेंट आया नहीं कभी। आओ भरत भैया। अरे भैया तुम्हारी स्पेशल अर्थी है। अरे ये पर पेट्रोल से चलती है, बाकी डीजल तकिया लगा दिया है। चलो चलो भाई अर्थी उठाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो चलो सच है यार, दुनिया में मर्द ना औरतों को खुद से आगे नहीं बढ़ने देते। देख रही हो एक भी अर्थी पे औरत नहीं है। यू आर राइट, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। वही ना। आइए नेताजी आइए, इस बवाल के कारण यही लोग हैं। इनसे कहिए कि उस पगलेट का जमीन लौटा दें और अपने परिवार का मसला सुलझाएं, वरना वो संकी सारा खेल बिगाड़ देगा। हाँ देखा हसी अर्चन को, मतलब हम अपना जमीन लौटाई के फंस जाए। अरे तुम कहे नहीं अपने रिश्तेदार की जमीन लौटाई दे, जो निकल के बैठे हो। एकदम चुप, काहे फुंसी का फोड़ा बना हुआ था नेताजी। एक चिंगारी पूरा जंगल जला देती है।
ऐसी चिंगारी की शंकाओं को हम अपनी लघु शंका से बुझा देते हैं। भाइयों और बहनों, आज एक नया सूर्योदय होने वाला है, इसलिए मजबूरी में हम मृतक लोग अपनी सौगात का निकाल रहे हैं ताकि ये बहरी और ढीठ प्रशासन को हमारी समस्या सुनाई दे। लोग मरने के बाद अर्थी में जाते हैं, हम जिंदा होने के लिए अर्थी पे जा रहे हैं। हम आज लेखपाल के दफ्तर में धावा बोलेंगे और सरकारी कार्यों में खुद ब खुद खुद को जीवित करेंगे। सोनिया जी, ये भरत लाल कानून को हाथ में लेकर अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। नमस्कार के बेटी। नमस्कार। नमस्कार। मैंने सीएम साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस अभी आने ही वाले हैं। जी, प्लीज आप लोग वहाँ वेट करिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं सर, अरे सर, ये सब पगलाइटों का जुलूस है। हम सब काफी हैं इनको संभालने के लिए, संभाल लेंगे इनको। सर वैसे भी ये क्रिकेट मैच है, खेलने वाले 22 और देखने वाले 1000। अरे संभाल लेंगे सर। अरे भैया बहुत गर्मी हो रही है, कोई पानी तो पिला दो। अरे नॉर्मल की गंगा जल। अरे कौनो पिला दे यार। मैडम ये तो फल पकने का मौका आया है, आप पत्थर उछाले या नहीं फल अपने आप आपकी झोली में गिरेगा। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। मतलब? आप जरा उधर बैठो जगदीश साहब प्लीज। मतलब ये है कि आज जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर आज भरतलाल कामयाब हो गया तो अपने आप आपको क्रेडिट देगा और आप एक गरीब बेचारे मृतक की मददगार मसीहा बन जाएंगी। और कहीं उसे कुछ हो गया तो भी आप एक वसूल पसंद रूल इज रूल टाइप कड़क नेता बनकर सामने आएंगी। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपसे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं। किसान बीज इसीलिए बोता है ताकि एक दिन फसल काट सके, और राजनीति में भी बकरा इसीलिए पाला जाता है ताकि समय आने पर उसकी कुर्बानी दी जा सके। मृतक कौन होता है ये हम बताओ थे आज, जिसके हाथ में न्याय देने का अधिकार हो और न्याय ना दे वो होता है असल मृतक। अरे जिंदा लोगों, अपने दिल में झांक के देखो कि तुम सच में जीवित हो या मृतक हो। मृतक महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए। मैंने आपको भरत लाल के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ बताया था आपने, लेकिन वकील साहब इतनी छोटी सी बात पर वो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है, जो अच्छी बात नहीं है। सर वो एक मिनट सर, ये छोटी सी बात नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अब तक हमने काफी तरक्की कर ली है। आदमी चांद पर पहुंच गया है और हमारा देश अंतरिक्ष में। हम दो जंग जीत चुके हैं, 4 ओलंपिक गोल्ड, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया आ गया है, देश को परमाणु शक्ति मिल गई है। पर ये भरत लाल वहीं का वहीं है। सर, भरत लाल को ना तो चांद पे जाना है, ना वर्ल्ड कप जीतना है और ना ही पाकिस्तान से लड़ना है। उसे तो सिर्फ अपना वजूद चाहिए, सिर्फ एक छोटे से कागज पे ये लिखा हुआ चाहिए कि वो जीवित है। सुन लिया, भाषण अच्छा था, मगर बेटा सरकार भाषणों से नहीं सिस्टम से चला करती है। सिस्टम से। साहब, इससे पहले कोई यहाँ कांड हो जाए यहाँ से निकल चलो। अरे ऐसे कैसे कांड हो जाएगा, अरे ये तहसील है और हम हैं यहाँ के लेखपाल। अरे इनकी धमकियों में हम नहीं आने वाले। चल के इस लेखपाल की खोपड़िया खोलाते हैं, सारा इल्जाम ही भरत लाल पर लगेगा। अरे वो पुराने लेखपाल भूरे सिंह ने कांड किया था, इसमें हमारी क्या गलती? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कागज निकाल। अरे 18 साल पुराना केस है, तुम्हारी कांड यहाँ कहाँ होगा?
वो रिकॉर्ड रूम में। तो फिर चाबी दो, ये भरत भैया छोड़ेंगे नहीं कहा। अरे रिकॉर्ड पड़ेगा, अरे इसको पड़ेगा। हमारी लड़ाई इनसे लड़ाई सिस्टम से है। चलो हराम इस देखभाल को, बाहर निकालो इनको, ये हमारे साथी नहीं है, हमारे सदस्य हिंसा नहीं करते। चलो बाहर, अरे आज जाओ इनको, इसको मुझे ढूंढते हैं। बाहर चाबी दो, लो और जाओ ढूंढ लो जाके भूसे के ढेर से सुई। अरे चलो अंदर, चलो भैया, चलो भैया, चलो अंदर। पुलिस, पुलिस। अरे वो अंदर रिकॉर्ड रूम में घुस गया है। पकड़ो इसको, बाहर निकालो रिकॉर्ड रूम से। चलो उसको ढूंढो सबको। भैया जी मिल गया, भैया जी सलामत, भैया जी सलामत। धूल की चादर में लिपटे बन चुके कागज में सूती थी पड़ी कब से मंत्री के अध्यादेश ने लेखपाल के लिखे को मिटा दिया है। अब भरतलाल कागज पे भी जिंदा है। अखिल भारतीय मिंतक संघ भरतलाल वल्द कन्हैया लाल ग्राम अमीलो नगर पालिका मुबारकपुर जिला आजमगढ़ को सरकारी अध्यादेश से जीवित घोषित किया जाता है। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने और उन्हें मृत करार देने के लिए लेखपाल भूरे सिंह भरतलाल के चाचा और चाचा ना, एक कागज की क्या औकात जो तुमसे तुम्हारा बाप छीन ले। कागज, कभी अखबार कभी खत कागज, रोजमर्रा की जरूरत कागज, आने जाने की सहूलत कागज, जीने मरने की इजाजत कागज, प्यार की चिट्ठियां भी कागज की,
काम की अर्जियां भी कागज की, जश्न में झंडियां भी कागज की, जिस्म की मंडियां भी कागज की, बने नातों का भी गवाह कागज, कहीं शादी कहीं निकाह कागज, कहीं तलाक का गुनाह कागज, बनाए और करे तबाह कागज, छीन ले खेत घर जमी कागज, पोंछे आंखों की भी नमी कागज, हर जगह यूं है लाजमी कागज, जैसे घर का है आदमी कागज, कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या जब चीज है ये कागज भी। संकट सिर पे धायूं पुरजोर, तू न हारा कोई ढोर, तुझ पे वक्त था दमखोर, पर तू हिम्मत का सिरमोर, आधी समय की थी मुझोर। माफ कर दो मेरे। अरे अरे चाची, माफी की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप हमको मृतक नहीं बनाती तो जीवन का पहलू हम नहीं समझ पाते। हमारे भारत की जो जमीन है ना बेटा, वो उनके नाम कर दो। चाची जमीन ना चाहिए हमरा, जमीन से ज्यादा मिल गया हमको। बेटा माफ कर देना, आप बस बोइए खाइए खुश रहिए, माफ कर दिए चाची। अरे भैया बहुत ही माइंडियर आदमी है। अच्छा नमस्ते, हाँ हम आएंगे चाची घर आएंगे। भैया भरत लाल, तुम तो कागज में जीवित हो गए, पर हम सबका का हुई? हाँ भाई हम सबका का हुई। बस सर भाई, ये दुनिया एक अखाड़ा है, जिमा सच और झूठ नाम के दुई पहलवान लड़ रहे हैं, और जब तक सच नाम का पहलवान झूठ नाम के पहलवान को पछाड़ नहीं देता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ऑल इंडिया मृतक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया मृतक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। रहने दो कुछ सांस बाकी है, अभी तो आस बाकी, ख्वाब में थोड़ी जान है अभी, मंजिलों की है प्यास बाकी, दिल की है अरदास बाकी, एक नया इम्तिहान है अभी, चल गिर